बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे 90% से अपर मार्क्स लाएं, उसके लिए मैं जो टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ, सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा अलग होगी। ठीक है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो देखो, आपको मैथ के लिए जो पर्टिकुलर टाइम देना होगा, आपको मैथ के लिए मिनिमम 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे के करीब आपको टाइम देना होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या आपको रिवाइज़ करना है, तो पहला आपका आता है फार्मूला, दूसरा आता है कंसेप्ट और तीसरा आता है प्रैक्टिस। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस की। अगर आप जीवन में बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं मैथ की, तो समझो कि वो आपका 100% आपका साथ देता है। ठीक है, अगर दूसरी बात आता है फिजिक्स का, तो फिजिक्स में हमें मिनिमम जो टाइम देना है 2 से लेकर 3 घंटा के करीब मिनिमम टाइम देना है, और इसमें हमें फिजिक्स के कंसेप्ट को भी पढ़ना है, उसके फार्मूला को भी पढ़ना है, बायोलॉजी को हमें याद करना है। ठीक है, और केमिस्ट्री के हमें इक्वेशंस को देखना है अच्छे से, उसके फार्मूला को देखना है और उसको याद भी करना है। यानी ये 3 चीज़ें हैं जिसको 1-1 घंटे करके देना है आपको। यानी फिजिक्स में मिनिमम आपको 3 घंटे, मैक्सिमम आप कुछ कितने घंटे भी दे सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको 1 से 2 घंटे आवर्स डेली देना है। ठीक है, पहली चीज़ जो फिक्स चीज़ें होती है, जैसे आपका फिक्स में होता है नरेशन, पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फिलअप होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन होता है, ऐसे होता है, तो ये सब फिक्स चीज़ें होती है, तो फिक्स चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि ग्रामर, ग्रामर को आपको मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ेगा, वो शॉर्ट हो या लघु हो, क्योंकि उसमें आता है 150 नंबर का और 500 वर्ड का आपको लिखना होता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट आता है हमारे पास कि हिंदी, देखो हिंदी को मिनिमम जो टाइम हमें देना है 1.5 घंटे के करीब देना है, और इसमें भी सारी चीज़ें फिक्स होती है। क्या क्या फिक्स होती है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें फिक्स होती है जो आना ही आना है। ठीक है, मैं बना दूंगा एक दिन की, हिंदी में ये चीज़ें फिक्स होती है जो आपको अगर ये याद कर लिए ना, तो यही जाकर वहाँ पर फंसेगा, यानी पेपर में आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आता है कंसेप्ट, कंसेप्ट की बात करते हैं, तो हमें किताब को रीडिंग करनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किताब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने के बाद आपको अति पे जाना है, जब अति दोहरी आए तो उससे पहले एक बार और ऑब्जेक्टिव को याद कर लें, फिर उसी प्रकार लघु पे आए तो एक बार अति को देख ले, एक बार ऑब्जेक्टिव को देख ले। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस होता जाएगा, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं काला के लिए, तो काला के लिए आपको जब भी बोरिंग लगे ये सब पढ़ने के बाद, तो आपको 1/2 घंटा क्या करना है, किसी भी चीज़ का चित्रकारी करनी है। ठीक है, जिससे आपका मन भी बहल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।